टूटने की कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी तो कहीं टूट रहा नहीं है, एक भी विधायक कहीं कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों ने बताने का काम किया क्योंकि सभी विधायक थे। दूसरी बात की अध्यक्ष बदलने की बात आ रही है, अभी हम लोगों ने कहा है कि हम लोग अभी कोविड काल में हम लोग कोई विधायक कहीं कोई बिहार में काम नहीं कर पाए, हम लोग अभी सात आठ महीने हम लोग पूरे बिहार का दौरा करेंगे, सभी विधायक एक साथ जुट के और 2024 के लिए तैयारी करेंगे, और अगर अध्यक्ष बदलना होगा तो 7-8 महीने के बाद जब देख लेंगे जो अच्छा काम कर रहा है, जो आपको लगे कि बिहार को मजबूती दे सकता है और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने में सक्षम है, तो उसको अध्यक्ष बनाने का बात नहीं, नहीं हम लोगों ने अपनी बात कही है तो आला कमान पर निर्भर करता हूँ क्या करेंगे। हम लोगों ने कहा कि चूंकि 1.5-2 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है, एक बार हम लोग अब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, हम लोग पूरे बिहार में हर जिला हर प्रखंड हर गांव में 10-10 नए डेडिकेट वर्कर तैयार करेंगे, उसके बाद जो अच्छे वर्कर आपको लगे कि काम कर रहा है उन उसको बनाने का काम करेंगे। दलित जाति से अध्यक्ष बनाया जा सकता है, खबरें नहीं, वो सब आला कमान थे जो अच्छा काम करे, यहाँ जात पात की कांग्रेस राजनीति नहीं करती है, जो अच्छा काम करेगा, जो हर गाँव में हर पंचायत प्रखंड में जिला में जो अच्छे लोगों को जोड़ेगा मजबूत करेगा उन्हीं को अध्यक्ष बनाना चाहिए, ये हम लोगों ने आग्रह किया। जदयू तो लगातार कह रही है कि आप में टूट होने वाला है। सर जदयू अपने को देखे, अब सूरज को कोई आईना और दिया दिखाएगा उससे क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके पूरे देश को विकास जो हुआ है आज देश में वो कांग्रेस पार्टी का देन है। वो क्या कहते हैं वो अपनी पार्टी को देखे उनमें क्या चल रहा है। अभी आप देखे हो कल उपेंद्र कुशवाहा जी और आदि ललन सिंह घंटों बात करते हैं जब मंत्री नहीं बनते, ये सब उनकी अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है वो एकजुट है, एकजुट रहेगा और कांग्रेस को मजबूत करके आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी को प्रधान